हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ चने, जो मैंने शाम को भिगो कर रख दिए थे और अभी मैंने बॉयल कर लिए हैं। और मैं नहा धो के पूजा वगैरह से फ्री हो के मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते। नाश्ते में चने, तो चने मैं फ्राई करने जा रही हूँ और इसमें मैं आलू भी मिक्स कर लूँगी। मैंने आलू भी बॉयल कर ली है और यहाँ पर मेरे कट रहे हैं टमाटर और ये हरी मिर्च। तो इन सभी को मिलाकर मैं बनाने जा रही हूँ आज चने फ्राई करके। तो जब तक मेरे इधर चने मैं फ्राई करूँगी, उधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है गैस पर। तो मेरी चाय भी बन रही है और इधर मेरे चने फ्राई हो रहे हैं। तो सुबह बहुत जल्दी पड़ती है, लेकिन आज तो खैर छुट्टी है सोना की, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। मैं आराम से ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरे चने फ्राई हो गए हैं और ये नाश्ता तैयार हो गया है, चाय और चने। तो यहाँ पर देखिए, सोना का और मेरा नाश्ता दोनों का तैयार हो चुका है। आइए आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरा नाश्ता बन चुका है और नाश्ते में मैंने बनाए हैं आज चने, चाय और चने तैयार हैं। आप लोग भी देखिए, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका था और उसके बाद फिर मैंने ये सब्जी बनाई है, जो मैंने बनाई है मेथी आलू की सब्जी और इसमें मटर भी डाली है, क्योंकि मेथी आलू में मुझे मटर अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी भी छौंक दी है और इसके बाद में फिर मैं आगे खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर के बज रहे हैं 12 और ये देखिए, मैंने इसमें मेथी भी डाल दी है और मैं इसको अब ऐसे ही ढक दूँगी, अभी नहीं चलाऊँगी, ताकि नीचे अच्छे से आलू पक जाएँ। और थोड़ी देर बाद जब आलू पक जाएंगी, उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ जब तक मेरी सब्जी पक रही है, तब तक ये सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धुल देती हूँ। और मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया है, तो आज मैं केवल मेथी की सब्जी और रोटी ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सोना का भी मन नहीं कर रहा था और ये भी चले गए थे बाहर, क्योंकि इस टाइम पर हस्बैंड मेरे हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सब्जी रोटी ही बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए, मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, सब्जी बन गई है और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। यहाँ पर मेरी रोटी भी बन रही है और इसके बाद में ये सोना पढ़ाई कर रही थी, तो उसको कुछ पूछना था तो वो मुझसे पूछने आई थी। और यहाँ पर रोटी बनाने के बाद में फिर मुझे थोड़ा काम भी करना था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले ये बना के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम देखूँ, क्योंकि खाना नहीं बनता है तो फिर ऐसा लगता है कि पूरे दिन खाने का ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा खाने का और सारा भी किचन का काम ख़त्म हो गया है और उसके बाद फिर मैं ये ऊपर से कपड़े लेके आई थी, तो उनको मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पर रख रही हूँ। अगर इनको तुरंत का तुरंत ही फ़ोल्ड कर दो तो सही रहता है, वरना फिर ये पूरे में फैले हुए रखे रहते हैं, जो कि देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके और अच्छे से अंदर लगा दूँगी जाके। ये सारे काम निपटाने के बाद में फिर ये एक मेरे हस्बैंड की पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई थी, जो ये नहीं पहनते हैं, तो मैंने सोचा इसका कुछ रीयूज़ किया जाए। तो अभी मैंने सोचा नहीं इसका मुझे क्या बनाना है, लेकिन मैं इसको अगर काट के रख लूँगी, इसका कपड़ा निकाल के, तो फिर कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। तो यहाँ पर मैं आगे और पीछे का जो सीधा सीधा पार्ट है वो निकाल ले रही हूँ और इसको कट करके रख लूँगी, और इसके बाद में फिर देखती हूँ मैं इसका क्या बनाती हूँ। तो मैं जो भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आगे और पीछे का पूरा पार्ट
जो सही है, क्योंकि इसमें बीच बीच में कहीं कहीं छेद जैसे भी हो गए हैं, रखे रखे पता नहीं क्यों, कोई कपड़ा होता है जिसमें रखे रखे ही छेद जैसे हो जाते हैं। तो ये देखिए इसमें भी छेद ऐसे हो गए हैं, तो मैं इसको कट करके, और ये देखिए इसमें छेद इतना बड़ा सा हो गया है। तो अभी मैंने सोचा नहीं, फिर मैं देखती हूँ इसका मैं क्या बनाती हूँ। तो इसको मैंने कट करके रख लिया है, इसके आगे और पीछे का दोनों पार्ट निकल आए हैं, तो मैंने इन दोनों को कट करके रख लिया है। और इसके बाद मेरी एक ये कुर्ती पड़ी हुई थी, ये सनील के कपड़े में है, तो जिसको मैं अब नहीं पहनती हूँ। तो इसमें जो पीछे एक पैच लगा हुआ था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ। और ये नीचे जो लेस लगी हुई है ये भी मिरर वर्क की लेस है, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। और फिर इसका भी कुछ मुझे रीयूज़ करना है, तो इसको भी मैं निकाल के रख ले रही हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4, और ये देखिए सोना का यहाँ पे ये गेम चल रहा है, इसने पता नहीं कहाँ ये देख लिया था, और ये कार्ड्स रखे हुए थे तो ये निकाल के और उसका कुछ बना रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।